हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी क्या होती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी का ही एक पार्ट होता है, और ट्विन प्रेगनेंसी तब होती है जब आपके यूट्रस में एक साथ एक ही टाइम पर दो बेबी डेवलप होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आइडेंटिकल ट्विन्स, जिसको कि वैज्ञानिक भाषा में मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोला जाता है, एंड दूसरी होती है नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, जिसको वैज्ञानिक भाषा में डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं। तो जब एक महिला एक ही टाइम पर दो अंडे पैदा करती है और ये दोनों अंडे अलग अलग स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं, तो ऐसे में नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स का अपना अलग अलग प्लासेंटा होता है और अपनी अलग अलग थैली होती है। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स का जो जेंडर होता है वो अलग अलग भी हो सकता है एंड एक जैसा भी हो सकता है। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स दिखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं। जब एक महिला में एक अंडा एक ही स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होकर के दो अलग अलग अंडों में विभाजित हो जाता है, तो ऐसे में आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। और आइडेंटिकल ट्विन्स एक अंडे से बनने की वजह से इनका जो प्लासेंटा होता है वो एक ही रहता है। इनकी जो थैली होती है वो अलग अलग भी हो सकती है एंड एक थैली भी हो सकती है। आइडेंटिकल ट्विन्स में जो जेंडर होता है वो हमेशा सेम ही रहता है एंड ये दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और ट्विन प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं वो सिंगल प्रेगनेंसी के समान रहते हैं, बट ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आप फील कर सकती हैं, आपको ब्रेस्ट में दर्द होना एंड चुभन होना और असहज जैसा फील होना एंड आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होना और आपको लगातार यूरिन आना एंड आपको बहुत ज्यादा भूख लगना और आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज्यादा एंड पूरी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ट्विन्स होने के पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे कि आपकी एज 35 से ज्यादा होना एंड आपकी फैमिली में ट्विन्स की हिस्ट्री होना एंड आपकी पर्सनल ट्विन्स हिस्ट्री होना, जैसे कि अगर आपने पिछली प्रेगनेंसी में ट्विन्स को जन्म दिया है तो आपकी अगली प्रेगनेंसी में भी ट्विन्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपका फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, जैसे कि आपका IVF द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव करना, ट्विन्स बेबी के लिए जो प्रेगनेंसी सेफ टाइम होता है वो होता है 37 वीक, लेकिन कई सारी ट्विन प्रेगनेंसी ऐसी होती है जो 37 वीक तक नहीं पहुंच पाती है और इससे पहले ही डिलीवर हो जाती हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है प्री मेच्योर लेबर पेन होना। अगर आपके एक बार रियल लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको बढ़ने से रोकने का कोई भी तरीका नहीं होता है। ट्विन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि सारी ट्विन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो। बहुत सारी ट्विन प्रेगनेंसियां हेल्दी भी रहती हैं एंड बहुत सारे ट्विन्स नॉर्मल डिलीवरी द्वारा भी जन्म लेते हैं। और अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।